आज आपको मैं दिखाता हूँ कि गर्मा गर्म जलेबी कैसे बनती है और क्या प्रोसेस है उसका। और यहाँ पे मैं श्रीनगर मार्केट में हूँ और आप भी खाइए, देखिए कैसे बनती है गर्मा गर्म जलेबी। ये मैदे को ये भाटा लगा के रखते हैं ओवरनाइट, तो अभी इसके कपड़े में डाल के, तो कैसे जलेबी बनती है वो दिखाऊंगा। कपड़े में डाल के उसको गरम गरम तेल में गोल गोल घुमा के फ्राई किया जाता है, फिर उसके बाद में इसको एक स्वीट जो चाशनी होती है उसके अंदर डिप करके उसको निकाल लेते हैं। तो ये देखो ये बैटर है, ये इसको भैया जो है वो निचोड़ रहे हैं। ये देखो तो ये बन गया, ये रेडी है जलेबी निकालने के लिए। ये अभी बनेगी गर्मा गर्म जलेबी इससे। ये देखो ये इससे आ रहा है, ये गर्मी से ये इसकी ये जलेबियाँ, ये तेल ऑलरेडी हीटेड है, हीट किया गया है तेल को, गर्म किया है, और अब इसमें ये जलेबी और जो बैटर था उसको कपड़े के साथ में इसे निकालते जा रहे हैं। तो अब इसके बाद में यहाँ से इसको चाशनी में डिप किया जाएगा और सर्व की जाएगी, तो जलेबी रेडी हो जाती है। मेन इसमें जो मेहनत है जलेबी में इसका बैटर बनाने में वो ये है कि ओवरनाइट इसको अच्छी तरह से डिप करके मतलब बना के रखना पड़ता है मैदे को खमीर लगा के, ताकि वो फूल जाए और वो तब रेडी हो जाता है जलेबी बनाने के लिए। जितना क्रिस्प रखना है उसके हिसाब से इसको तेल में रखना पड़ता है। ज़्यादा क्रिस्प चाहिए तो ज़्यादा देर रखते हैं, कम क्रिस्प चाहिए तो थोड़ा कम टाइम रखते हैं इसको तेल के अंदर। ये चाशनी में डिप कर दी गई है जलेबी, अब ये चाशनी में चाशनी को चूस लेंगी और उसके बाद में जलेबी रेडी हो जाती है खाने के लिए तैयार, गर्मा गर्म जलेबी। Thank you.
आपने देखा होगा प्रोसेस कि कैसे जलेबी बनती है। ऐसे ठंड है बहुत ज़्यादा और गर्मा गर्म जलेबी हमने देखा कैसे बनती है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।